अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू ज़ायंस डॉट कॉम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में जॉब प्रोवाइडिंग वेबसाइट्स कौन कौन सी हैं, तो और हमें किस किस कैटेगरी में ऑनलाइन जॉब अवेलेबल है। उसके अलावा हम टॉप 5 जॉब प्रोवाइडिंग वेबसाइट्स के मतलब जानेंगे, उन टॉप 5 जॉब प्रोवाइडिंग वेबसाइट्स पे अकाउंट बनाएंगे और कुछ जॉब्स पे अप्लाई करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान में जॉब्स काफ़ी अवेलेबल हैं। ये नहीं है कि जॉब्स अवेलेबल ही नहीं है, लेकिन जॉब के लिए आपको कोई ना कोई स्किल आनी चाहिए। स्किल मीन के जो भी कंपनी आपको जॉब्स दे रही हैं उनको कोई स्किल रिक्वायर्ड है, इस वजह से वो आपको जॉब दे रही हैं। जिन वेबसाइट्स पर हम बात करेंगे आज, उन पर रोज़ाना हज़ारों के एड्स लगते हैं। जॉब्स के जो कंपनियां होती हैं वो 10,000 का, 15,000 का, 20,000 तक के एड्स लगाती हैं ताकि उनको सही कैंडिडेट उनके काम के लिए मिले। तो बात कहाँ पे रहेगी कि आपको एक तो स्किल आना चाहिए और दूसरा जॉब सर्च करने का तरीका आना चाहिए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जॉब को सर्च करने का तरीका क्या है, और जॉब स्किल के लिए आप मेरी दूसरी वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने काफ़ी स्किल्स के मतलब बताया हुआ है कि आप स्किल्स को किस तरह सीख सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आज हम जिस वेबसाइट के मतलब बात करेंगे वो है rosy.pk। rosy.pk एक बहुत ही अच्छी जॉब प्रोवाइडिंग वेबसाइट है। इस पर ऑलमोस्ट हर कैटेगरी की जॉब अवेलेबल है। अगर आप एक डेवलपर के तौर पे अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके एतबार से इस पर जॉब है। अगर आप डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो इस पर जॉब है। अगर आप एक टीचर बनना चाहते हैं तो इस पर जॉब है। मान कि कोई भी अगर आपको कोई स्किल आता है तो इस पर उस स्किल की कोई ना कोई जॉब आपको मिल जाएगी। उसके बाद जो इस वेबसाइट के मतलब हम बात करेंगे वो है mustaqbil.com। ये भी rosy.pk की तरह एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जो कि जॉब्स प्रोवाइड करती है। उसके बाद हम जो बात करेंगे वो है joby.pk। ये भी तीसरे नंबर पे आती है। ये बहुत अच्छी वेबसाइट है जो कि जॉब्स प्रोवाइड करती है। उसके बाद चौथे के बजाय मैं पहले पाँचवें नंबर पर जाना चाहूँगा जो है indeed.com.pk। ये भी एक काफ़ी अच्छी वेबसाइट है और इस पर भी बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं। जो हमारी लास्ट वेबसाइट है वो है linkedin.com। ये टॉप पॉपुलर प्रोफेशनल कम्युनिटी वेबसाइट है। मतलब आप दूसरी जो चार वेबसाइट्स हम जिनके मतलब बात करेंगे वो तो सिर्फ और सिर्फ जॉब प्रोवाइड करती हैं, लेकिन ये एक ऐसी वेबसाइट है जिस पे एक पूरी प्रोफेशनल कम्युनिटी बैठी हुई है। इस पे सिर्फ और सिर्फ जॉब प्रोवाइडर्स नहीं बैठे हुए, इस पे पूरी कंपनियों की प्रोफाइल है और भी बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल्स इस वेबसाइट पर हैं। और आपको इस वेबसाइट पे अपना अकाउंट ज़रूर बनाना चाहिए क्योंकि ये वेबसाइट आपके प्रोफेशनल करियर को बहुत हेल्प करेगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे rosy.pk से। तो आप गूगल क्रोम में आ जाएं और सर्च करें rosy, तो जो पहली वेबसाइट होगी वो ये होगी। आप इस पर क्लिक कर दें और वेबसाइट में आ जाएं। वेबसाइट में आने के बाद जॉब्स पे अप्लाई करने के लिए आपको एक अकाउंट बनाना ज़रूरी होगा। ये जो भी पांचों वेबसाइट जिनके जो मैंने आपको बताई, इन पांचों पे अकाउंट आपको बनाना ज़रूरी है। और अकाउंट बनाने के बाद इन पांचों की पांचों पे आपको अपनी डिटेल प्रोवाइड करनी पड़ेगी। मीन के आपकी पर्सनल डिटेल, उसके अलावा आपकी एक प्रोफेशनल समरी कि आप क्या हैं और क्या कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने कोई अभी तक प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं उनको यहाँ पे मेंशन करना, उसके अलावा अपनी एजुकेशन को यहाँ पे मेंशन करना। ये मेंशन करना क्यों ज़रूरी है? ताकि जो जॉब प्रोवाइडिंग कंपनीज हैं, जब वो इन सभी वेबसाइट्स पे दो एरियाज़ हैं, एक तो जॉब सीकर का है और एक जॉब प्रोवाइडर का। जो जॉब प्रोवाइडर है वो कंपनी होती हैं और जो जॉब सीकर्स होते हैं वो हम जैसे कैंडिडेट्स होते हैं जो जॉब को सर्च कर रहे होते हैं। तो हमें यहाँ पे अकाउंट बना के अपनी सारी डिटेल इस वजह से देनी चाहिए ताकि जो जॉब प्रोवाइडर कंपनीज हैं वो जब किसी जॉब का ऐड लगाती हैं तो उस ये जो सारी वेबसाइट्स हैं उस जॉब की रिक्वायरमेंट देखती हैं कि इस जॉब के लिए जो कैंडिडेट है उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। मतलब कि एक कंपनी ने एक जॉब का ऐड लगाया कि हमें एक डेवलपर की ज़रूरत है, तो उन्होंने कोई ना कोई रिक्वायरमेंट लिखी होगी कि जो हमें डेवलपर है उसको HTML आनी चाहिए, उसको CSS आनी चाहिए, उसको PHP आनी चाहिए और उसको JS आनी चाहिए, JavaScript। तो ये जॉब की रिक्वायरमेंट होगी। इसके बाद जो कैंडिडेट्स होंगे, एक तो वो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इस जॉब पे डायरेक्टली अप्लाई कर दिया। अप्लाई कैसे कर सकेंगे? ये वेबसाइट्स फिर देखती हैं कि जो कैंडिडेट इस जॉब पे अप्लाई कर रहा है क्या उसके स्किल्स में या डिस्क्रिप्शन में कहीं उसने मेंशन किया है कि उसको HTML आती है, CSS आती है, JS आती है, PHP आती है।
अगर ये चारों स्किल्स उसको आती होंगे तो फिर वो जॉब पे अप्लाई कर सकता होगा। और अगर आपकी ये स्किल्स इस जॉब के साथ मेंशन होंगे और आपने एक जॉब अलर्ट अपना लगाया होगा, मैं आपको वो भी बताऊंगा कि आप इन वेबसाइट्स पे जॉब अलर्ट किस तरह लगा सकते हैं ताकि जो जॉब्स आपके लिए सूटेबल हैं उनका आपको अलर्ट ईमेल के थ्रू मिला करे और आप ईमेल के थ्रू उसको चेक करके यहाँ पर आके उस पर जॉब पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया वो पूरा सिनेरियो कि जॉब यहाँ पे पोस्ट किस तरह होती है, आपको जॉब का अलर्ट किस तरह मिलेगा और आप जॉब पे अप्लाई किस तरह कर सकते हैं।